तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डायस्पोरा के बारे में, फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले डायस्पोरा का हिंदी मतलब बता दें आपको, इसका मतलब होता है प्रवासी। मींस ऐसे समझिए, आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले यूक्रेन और रूस के बीच वॉर हुआ था, ठीक। तो अब यहाँ के लोग कहीं तो गए होंगे अपनी जान बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए। तो जब ये वहां से भागे तो इसको कहेंगे स्कैटरिंग, यानी पलायन करना, ठीक है। और अब ये दूसरे देश में जाएंगे, वहां से जान बचा के भागे तो कहीं ना कहीं दूसरे देश में जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी देश में जाएंगे, तो कहलाएंगे प्रवासी, यानी कि डायस्पोरा। और डायस्पोरा लिटरेचर क्या होता है, अब इसी में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो लिटरेरी वर्क करते होंगे, है ना, लिटरेचर में कुछ वर्क्स लिखते होंगे, राइटर्स होंगे, ऑथर्स होंगे, पोएट्स होंगे, है ना। तो इस प्रकार के जो लोग होंगे, राइटर्स होंगे, उन्हें कहेंगे डायस्पोरा राइटर्स, यानी कि प्रवासी लेखक। ये दो प्रकार के होते हैं, आगे वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। डायस्पोरा, डायस्पोरा शब्द ग्रीक से लिया गया है, शब्द डायस्पेरियन जिसका मतलब है फैलाव। समय के साथ वर्ड इवॉल्व हुआ और अब लूजली किसी भी पर्सन से रिलेटेड है, और एक कॉमन ओरिजिन या कल्चर वाला एक पार्टिकुलर देश, लेकिन वेरियस रीजंस के कारण अपने देश से बाहर रहना, ये डायस्पोरा है। इसकी डेफिनेशन है, वर्क्स दैट आर रिटन बाय ऑथर्स हु लिव आउटसाइड देयर नेटिव लैंड, मतलब वर्क्स जो उन राइटर्स के द्वारा लिखे गए जो अपनी नेटिव लैंड से बाहर रहते हैं। अब इसका मॉडर्न मीनिंग देख लेते हैं। डायस्पोरा पीपल फाइंड देमसेल्फ रिस्ट्रिक्टिंग, एक्सपेंडिंग, मिक्सिंग एंड मैचिंग देयर न्यू एंड ओल्ड होम्स, देयर न्यू एंड ओल्ड लीव्स एंड आइडेंटिटीज। इट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट इज टेकन विद वन, ऑफ व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड एंड ऑफ व्हाट इज ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब प्रवासी लोग खुद को पाते हैं अपने नए और पुराने घरों, अपने नए और पुराने जीवन और आइडेंटिटी को सीमित करना, विस्तार करना, कंबाइन करना और मिलान करना। ये इस बात की स्टडी है कि एक के साथ क्या लिया जाता है, क्या पीछे छूट जाता है और क्या ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि आखिर ये डायस्पोरा आया कहाँ से, ऐसा क्या हुआ था हिस्ट्री में। गाइस 586 ईसा पहले बेबीलोन की कैद के बाद यहूदी लोग कैद से वापस लौटे। जेरूसलम यहूदी कम्युनिटी बाबुल, मिस्र, सीरिया, यूनान और रोम सहित अधिकांश एशियंट, मेडिटेरियन और नियर पूर्वी दुनिया में अस्तित्व बना रहा। डायस्पोरा उस फैलाव के लोगों को इंडिकेट करता है। इस शब्द को आखिरकार इस सेंचुरी में अदर लोगों को इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया था जो अपने नेटिव कंट्री के बाहर, यानी कि उसके बाहर के क्षेत्र में फैले हुए थे। सो गाइज, अब डायस्पोरा के टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है टेम्परेरी या वॉलेंट्री डायस्पोरा, मीन्स जो अपनी इच्छा से अपने देश से बाहर होते हैं, बिजनेस के लिए, वर्क के लिए, फेम के लिए यानी कि प्रसिद्धि के लिए या फ्यूचर बनाने के लिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रियंका चोपड़ा को तो नाम सुना ही होगा, बॉलीवुड स्टार। ये इन्होंने इस देश को छोड़ा नहीं है, यानी कि इस देश से बाहर है, अमेरिका में है। तो क्या इस देश से इनको जबरदस्ती भगाया गया था या किसी मजबूरी में इन्होंने देश को छोड़ा? नहीं ना, ये अपनी इच्छा से देश से बाहर रहती है सक्सेस पाने के लिए। तो यही वॉलेंट्री डायस्पोरा है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति अपने देश से बाहर है जो अपनी इच्छा से किसी अदर कंट्री में जाकर रहता है, ठीक है, सक्सेस पाने के लिए अपने बिजनेस या अपने वर्क से रिलेटेड। तो इसे कहते हैं टेम्परेरी या वॉलेंट्री डायस्पोरा। सेकेंड है फोर्स डायस्पोरा, इसका मतलब क्या होता है, मजबूर प्रवासी। मतलब इसमें जैसे किसी एक पर्सन को मजबूरी में अपने देश को छोड़ना पड़ा हो, या पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को मजबूरी में देश को छोड़ना पड़ा हो, कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है या देश से जबरन निकाला गया हो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, यूक्रेन के लोग, अफगानिस्तान के लोग, इन्होंने तो मजबूरी में अपने देश को छोड़ा था ना। एक अदर एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे कि दलाई लामा, इन्हें चीन से जो है, इनको इनको चीन छोड़ना पड़ा था मजबूरी में। इन्होंने कुछ गलत किया था शायद, मुझे पता नहीं है ज्यादा। तो इन्होंने अपने चीन को, अपने देश को, नेटिव कंट्री को मजबूरी में छोड़ा था, ठीक है। तो ये इंडिया आ गए थे, तो इसी को कहते हैं फोर्स डायस्पोरा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डायस्पोरा की। फर्स्ट है ये नेटिव लैंड के विचार पर आधारित है। सेकेंड है डायस्पोरा लिटरेचर हॉर्स, यानी कि कठिन जर्नी के बारे में ये अपना वृत्तांत प्रोवाइड करता है लिटरेचर में, ओके। थर्ड है डायस्पोरा होमलैंड से दूर और एक प्लेस की फीलिंग का लेखा जोखा प्रोवाइड करता है ये डायस्पोरा।
मतलब जो इंसान, जो पर्सन अपनी कंट्री में रहता है उसके बाद वो प्लेस चेंज करता है, तो उस दूसरी प्लेस प्लेस की जो फीलिंग्स होती हैं, सेंस होता है वो क्या होता है, इसका भी लेखा जोखा प्रोवाइड करता है ये डायस्पोरा। फिर फोर्थ है आपका, कोई भी इसे पढ़ सकता है, समझ सकता है कि कैसे होम लैंड के पर्सन यानी कि नेटिव लैंड के पर्सन अपनी धरती को मिस करते हैं और नए कल्चर को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं, या वहाँ के लोगों के कल्चर के साथ कैसा महसूस करते हैं, ये डायस्पोरा बताता है। इसलिए डायस्पोरा लिटरेचर पढ़ते समय हम सीख सकते हैं कि क्यों और कैसे कुछ लोग अपनी इच्छा से या अदर रीजन से दूसरे देश में रहना चूज करते हैं और कैसे वे उसी सिचुएशन में रहने के लिए ट्रेंड हो जाते हैं धीरे धीरे। अब डायस्पोरा राइटर्स के बारे में जानते हैं। V.S. नायपॉल, सलमान रुश्दी, ये अपनी इंडिया के ही हैं गाइस। M.G. वासनजी शनिमोटू, भारती मुखर्जी इंडियन हैं, डेविड दबुदीन, रोहिंटन मिस्त्री, हनीफ कुरेशी, ये सभी डायस्पोरा राइटर्स हैं अपने। अब डायस्पोरा के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं गाइस। इसके जो वर्क हैं डायस्पोरा के, सलमान रुश्दी का द सैटनिक वर्सेस 1988, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट 1909, ग्रिम्स 1974, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, और ये इनका है जुम्पा लहिरी का द इंटरप्राइसेस ऑफ मालदीव्स। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। डायस्पोरा ये एक हवा में बीज का बिखराव है जिसके फल एक नई क्रिएशन और जीवित रहने की लड़ाई है। डायस्पोरा सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ नॉलेज और सेल्फ डेफिनेशन की ओर एक यात्रा है।